हेलो जो आइए इसको स्वागत करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि एक आदर्श गैस के 5 मोल समतापी और अनुत्क्रमणी, देखो उत्क्रमणी नहीं है, ध्यान रखना, अनुत्क्रमणी प्रक्रम है, और बाह्य दाब 1 वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध 10 वायुमंडलीय से 1 वर्ण तक वो प्रसार करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वर्ग ए रिवर्सल 300 केल्विन पर क्या हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है। देखो हमारे पास वर्डन ए रिवर्सल का फॉर्मूला हमारे पास होता है पी एक्सटर्नल, और डेल्टा वी मतलब वही V2 - V1, आपके पास हमारे पास ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने कई बार पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास उसने V2 और V1 तो आपके पास उसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो आप आदर्श गैस का समीकरण PV = nRT जानते हो। तो अगर आपको V निकालना है बच्चों, तो आप यहाँ पे nRT/P आप यहाँ पे कर सकते हो। और दो अलग अलग उसने हमसे क्वेश्चन में प्रेशर भी दिया है कि बाह्य दाब आपका, देखो बाह्य दाब 1 है तो पी एक्सटर्नल आपको 1 लेना है, लेकिन वो 10 से 1 वायुमंडल जा रहा है, तो 10 वायुमंडली मतलब ये आपके पास ये P1 होगा और 1 आपके पास ये आपके पास P2 होगा, और ये आप यहाँ पे लगाओगे तो V2 की वैल्यू करके आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। देखो एक्सटर्नल आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 1 आ ही चुका है, V2 की वैल्यू आपके पास हमारे पास बच्चों आपके पास ये nRT2 और / P2 होगा, और V1 की वैल्यू आपके पास बच्चों हमारे पास nRT1/P1 होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये -1 है। अब यहाँ से देखो बच्चों आप यहाँ पे nR तो कॉमन ले सकते हो और टी भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास टी भी दोनों में सेम, उसने बोला है ना कि आदर्श गैस 5 मोल समतापी अनुत्क्रमणी 300 केल्विन पर आपको बताना है, मतलब तापमान को भी आपको सेम ले, तो आप यहाँ से T1 T2 भी आपके पास इस क्वेश्चन में बराबर ही है, जो कि उसने क्वेश्चन में 300 बोला हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन में nRT बाहर ले सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में nR और T बाहर आ जाएगा, तो 1/P2 - 1/P1 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो P2 आपके पास 1, P1 आपके पास 10, तो सॉल्व करोगे तो -1 है। n उसने क्वेश्चन बोला कि 5 मोल गैस है, आंसर जूल में है, तो आर आप 8.314 आप लोगे, और टेम्परेचर आपके पास 300 उसने क्वेश्चन बोल ही दिया है। P2 आपके पास कितना है बच्चों, 1 है, तो ये 1 और ये आपके पास 10 है, तो 1 - 1/10 होता है 0.1, तो ये आपके पास 0.9 आ जाता है, ये आपका होता है आंसर। लेकिन इसको हमें किस में निकालना, ये आपके पास जूल में आता है, आप किलो जूल में करना है, तो आप डिवाइड बाई 1000 कर दोगे, तो सब जो इसको सॉल्व करो डिवाइड बाई 1000 करोगे तब आपके पास आंसर निकल के आएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर B आएगा, और माइनस में आपके पास आने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपके पास आंसर हमारे पास बच्चों आपके पास वही आ जाएगा, तो 1 × 5 × 8 पॉइंट है ना, 8.314 × 300 × 0.9 है, इसको आप डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो 11.22 आपके पास आ जाएगा किलो जूल, जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो सही जवाब इसका आपके पास ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।